प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को रोपवे जो है 3.85 किलोमीटर का है अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का एक दिवसीय दौरा करेंगे। 18 करोड़ लोगों के कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इस दौरान पीएम दो कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे और क्षेत्र की कई योजनाओं परियोजनाओं को सौगात देंगे। खास बात यह है कि पीएम मोदी वाराणसी में रोपवे परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इसके निर्माण के साथ वाराणसी देश का पहला शहर होगा जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया जाएगा। नवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सुविधाओं से जुड़ी 28 विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्पोर्ट स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। 87 करोड़ की लागत से वाराणसी के संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम को हाईटेक बनाने की योजना वाराणसी स्मार्ट सिटी ने तैयार की है। इस मल्टी लेवल इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल प्रेमी भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच भी देख सकेंगे। इनकी कुल लागत 1779 करोड़ रुपए है। इसमें सौर ऊर्जा परियोजना भी शामिल है जिसके माध्यम से जलकल विभाग न सिर्फ बिजली बचाएगा बल्कि बिजली बेचेगा भी। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 17.24 करोड़ रुपए है। इसमें 14,400 स्क्वायर मीटर में करीब 3700 से अधिक सोलर पैनल लगाए हैं। सौर ऊर्जा से कुल 2 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा और सोलर पैनल से प्रतिदिन औसतन 9000 यूनिट बिजली पैदा होगी जिसकी कीमत लगभग 72,000 होगी। 2 मेगावाट प्रतिदिन बिजली उत्पादन करके जल विभाग अपने बिजली के बिल को 30% तक कम कर लेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी द्वारा सभी चौराहों को भगवा में किया जा रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री जिस रूट से गुजरेंगे उस रोड पर काशी की जनता प्रधानमंत्री का पुष्प वर्षा कर स्वागत करेगी। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। पीएम मोदी जिन 20 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे उनमें ग्रामीण पेयजल परियोजना, लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ACT टावर एवं टेक्निकल ब्लॉक, वरुणा क्षेत्र में पेयजल योजना, औद्योगिक क्षेत्र करखियाओं में इंडस्ट्रीज पैक, जल संस्थान परिसर में 2 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाना, कोनिया पंपिंग स्टेशन, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सड़कों की सुधार, सर्किट हाउस परिसर में अतिरिक्त भवन का निर्माण, सारनाथ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र चांदपुर महेशपुर में अवस्था। रोपवे जो है 3.85 किलोमीटर का है, लार्जली इसके लिए कि जो आते हैं यहाँ पर दर्शनार्थी काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए वो सीधे रेलवे स्टेशन से जा सके मंदिर तक, और जिससे जो शहर में कंजेशन है उसमें बहुत लाभ होगा। मैम, जो जनता आती है मतलब दूर से आती है उनको कितना लाभ मिलेगा? उनको बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि जो शुरुआती स्टेशन है वहाँ पे सारी एमिनिटीज़ हैं, लोग वहाँ पे चेंजिंग रूम भी होंगे, वहाँ पर लॉकर्स भी हैं अपना सामान रख के, सीधे जाकर और सीधे आना है उनको और कहीं नहीं भटकना। मैम, कब तक बनने की? इसका जब भी प्रारंभ होगा उससे कम से कम 2 साल लगेंगे कम्प्लीट होने। थैंक यू। वाराणसी के लोकप्रिय सांसद जो अपने संसदीय क्षेत्र में जब भी आते हैं, ये गौरव का विषय है कि बनारस काशी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मसात किया है और काशी की जनता ने भी प्रधानमंत्री जी को आत्मसात किया है। अथाह प्यार दुलार काशी की जनता प्रधानमंत्री जी को देती है, तो उनके आने पर स्वाभाविक रूप से एक ऊर्जा का संचार होता है। और प्रधानमंत्री जी जितनी बार प्रधानमंत्री रहते हुए अपने संसदीय क्षेत्र में आए हैं, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री इतने बार अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं गया होगा, इतना चिंता और चिंतन कभी नहीं किया होगा। तो इस बार आ रहे हैं तो 1785 करोड़ का एक बड़ा सौगात लोकार्पण और शिलान्यास के माध्यम से देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी अपने जनता को, अपने लोगों को, अपने काशीवासियों को। और काशी के लोग अद्भुत उत्साह के साथ, उमंग के साथ प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए आतुर हैं। चौराहा सजा के, झारल लगा के, ढोल बजा के, नगाड़ा बजा के, शंख बजा के, कपड़ा से चौराहों को सजा के,
तोरण द्वार बना के वो कैसे अपने दिल की बात अपने दिमाग में रख के कैसे दिल की बात से करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो यहाँ के लोग भी दिल से उनका स्वागत करते हैं। तो लगभग 5 घंटे का प्रोग्राम होगा आने और जाने का। प्रधानमंत्री जी का स्वागत पूरे शहर में होगा। पहले आएंगे रुद्राक्ष में जाएंगे, एक सरकारी कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है हेल्थ डिपार्टमेंट का। फिर उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ तोहफा देंगे और यहाँ की वाराणसी की जनता से रूबरू होंगे, उनसे संवाद करेंगे। फिर इसके बाद सर्किट हाउस जाके थोड़ा मीटिंग करके और वापस जाएंगे। मुझे तो लगता है कि इस फील्ड का कोई भी कोना खाली नहीं बचेगा, सड़कें भी भरी मिलेंगी। जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो 50,000 से ऊपर की भीड़ रहेगी। पे विश्वास करती है, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ 1971 में इंदिरा जी ने कहा, और गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हट गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 140 करोड़ लोगों के सर्वांगीण विकास का काम किया है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ काम किया है। किसी को आवास मिला, किसी को शौचालय मिला, सौभाग्य मिला, आयुष्मान मिला, किसान सम्मान निधि मिला और पारदर्शी ढंग से मिला। एक सरकार कहती थी कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ तो 85 रुपये रास्ते में गायब हो जाता है, 15 धरातल पर पहुँचता है। आज 100 रुपये ऊपर से प्रधानमंत्री जी भेजते हैं, 9,000 करोड़ 18,450 करोड़ किसानों को भेजते हैं, तो 10 सेकंड में उनके खाते में एंट्री होती है। उनके पास कोई काम नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई कल्पना नहीं है देश के विकास की, तो कोई केवल अपने परिवार के विकास की बात करता है, तो कोई अपने तिजोरी के विकास की बात करता है कि, और ये 18 करोड़ लोगों के कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक ऐसी पार्टी है जहां साधारण कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, गृह मंत्री भी बन सकता है, एक बूथ अध्यक्ष, ये वो पार्टी है। तो यहां पर किसी के नारे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लोग काम में विश्वास रखते हैं और भारत की जनता जानती है कि उनको विश्व में गौरव कौन दिला रहा है, उनके विकास के लिए कौन चिंतन और चिंता कर रहा है। ना और सुंदरीकरण का कार्य, शहर में 3 अंतर्गृह परिक्रमा पथ का पुनर्निर्माण, सामने घाट के पास फ्लिपर गेट का निर्माण, पशु सौदा गृह का निर्माण, बुल्लनपुर में 300 लोगों की क्षमता का मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण, पुलिस लाइन में जलापूर्ति का कार्य, बैरक और विवेचना कक्ष, साथ ही साथ बड़ा गांव में बैरक एवं विवेचना कक्ष का निर्माण, प्राथमिक विद्यालय का पूर्ण विकास, कंपोजिट विद्यालय का पुनर्विकास, स्मार्ट सिटी के तहत पार्क कुंड का सुंदरीकरण एवं पुनर्विकास का लोकार्पण होना है।